أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لائف کلاس پیارے بچوں السلام علیکم آج آپ کوسچن پڑھنے جا رہے ہیں رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ اینڈ انوائٹ ہیم ایٹ یور ہوم ٹو اسپینڈ سمر ویکیشنز ود یو آنسر میں آپ ایگزامینیشن ہال کوما سٹی اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی فل اسٹاپ 25th May 2021 कर लीजिएगा। ये डेट आप अपडेट होती रहती आ रही है। नोट्स में डियर फ्रेंड अली कोमा अस्सलाम वालेकुम एक्सक्लेमेशन मार्क आई एम फाइन फुल स्टॉप हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क समर वेकेशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of June फुल स्टॉप आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू स्पेंड दीज वेकेशंस विद मी एट माई होम फुल स्टॉप वी विल स्टडी एंड प्ले टूगेदर फुल स्टॉप वी विल ऑल्सो गो टू विजिट माई सिटी फुल स्टॉप माई फादर विल ऑल्सो हेल्प इन आर स्टडी फुल स्टॉप प्लीज राइट मी द टाइम ऑफ योर अराइवल इन लेटर फुल स्टॉप आई विल कम टू रिसीव यू ऑन स्टेशन फुल स्टॉप Say my salam to all at home, full stop, your sincere friend, comma, x dot, y dot, z, full stop. इसी को आगे इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर दिया है ताकि उर्दू में ताकि आपकी उर्दू बी की तैयारी भी जो है वो साथ के साथ होती जाए। दोस्त के नाम खत लिखें और उसे दावत दें कि गर्मियों की छुट्टियां आपके घर पे गुजारे। अज कमरा इम्तहान शहर अली बेजमी तारीख 5 July 2021 ठीक है जी। प्यारे दोस्त अली अस्सलामुअलैकुम मैं खैरियत से हूँ आप कैसे हैं। 1 जून से स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप इस बार छुट्टियां मेरे साथ मेरे घर पे गुजारें। हम दोनों मिलकर पढ़ाई भी करेंगे और मेरे शहर की सैर भी करेंगे और मेरे अब्बा जान हमारी पढ़ाई में हमारी मदद भी करेंगे। आप अपने आने का वक्त और तारीख खत में लिख भेजें ताकि मैं आपको स्टेशन पर लेने आ जाऊं। घर वालों को सलाम आपका दोस्त आपकी सहेली अलीफ बेजी। इसी के साथ आपने जो है वो स्टोरी करनी है राइट आ स्टोरी अंडर टॉपिक ऑफ ग्रीड इज अ कर्स ठीक है जी। ये आपने स्टोरी जो है वो लिखनी है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके तो ग्रीड इज अ कर्स। वंस देयर वाज अ हंग्री डॉग ही स्टोल अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम बूचर्स शॉप। बूचर्स शॉप कसाब की दुकान को कहा जाता है जी। Ran towards his home. There was a stream on his way to home. When he was crossing the bridge of the stream, he saw his reflection in the water of the stream. He thought it is another dog with a piece of meat. He wanted to snatch that piece of meat. So he started to bark at his reflection. His own piece of meat fell into the stream. मॉरल ग्रीड इज अ कर्स। लालच बुरी बला कहानी लिखनी है जी। एक दफा का जिक्र है एक कुत्ता भूखा था। उसने कसाब की दुकान से एक गोश्त का टुकड़ा चुराया और घर की तरफ चल दिया। उसके घर के रास्ते में एक नदी थी। जब वो नदी का पुल पार करने लगा तो उसे नदी में अपना अक्स नजर आया। उसने सोचा ये कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है। उसने गोश्त का दूसरा टुकड़ा हासिल करने के लिए भौंकना शुरू किया तो उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर गया। इस तरह वो मुंह देखता रह गया। नतीजा लालच बुरी बला है ठीक है जी। यहाँ तक आपकी जो है वो आज का लेटर और कहानी मुकम्मल हो गई है और कल इंशाल्लाह आगे जो है अगले नोट्स के साथ आऊँगी। इजाज़त।